हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको मेथी के पराठे बनाना बताऊंगी। मेथी का पराठा बहुत ही इजी होता है और इस मेथी में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। मैंने में 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1/4 कप बेसन लिया है और थोड़ा सा हल्दी, काला नमक, भुना जीरा और अजवाइन। और इसे अच्छे से दोनों हाथों से आप इसे आटा गूंथ ले। इसका आटा बहुत ही ज़्यादा कड़क और ना ही बहुत ही ज़्यादा नरम होगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें। मैंने 1 गिलास पानी लिया था और जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से आप अच्छे से आटा लगा लें। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लें। अब ये अच्छे से आप इसको थोड़ा सा एक और बार उस गूँथ लें आटे को दोनों हाथ से। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा बन के तैयार हुआ है। इसे गुजराती में ठेपला भी बोलते हैं। ये 1 से 2 दिन तक चलता है क्योंकि इसमें बेसन मिला है। आप इसमें कोई भी खट्टा सामान ना डालें। हैं कि ये बहुत ही अच्छा आटा मैंने लगा लिया है। अब इसे मैं आपको 1 से 2 बेल के भी बताऊंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेलें। अगर आप इसे बेल नहीं सकते हैं तो प्लास्टिक इसके अंदर रख करके आप उससे भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा प्लास्टिक को प्रेस करें दोनों तरफ से तो ये हो जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और थोड़ी देर रखने की वजह से ये बहुत नरम हो चुका है। ये देखिए, मैं हाथ की मदद से इसे अच्छे से आप डाल दीजिए फ्राई पैन पे और हल्का हल्का ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लीजिए और इसको धीमी आँच पे थोड़ा पकने दीजिए। इसका कलर देखिए, बहुत ही अच्छा ग्रीन और येलो कलर में आया क्योंकि मैंने इसमें हल्दी भी डाली थी। और इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। विटामिन ए, बी, सी भी होता है। अगर आपको पाचन की कोई समस्या है तो मेथी किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, चाहे मेथी की सब्जी या मेथी का पराठा। ठंडियों में इसे ज़रूर खाएं और ये आपके शरीर में विटामिन ए, बी, सी तीनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। फ्रेंड, ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें हल्का हल्का घी तेल लगाइए या घी लगाइए। और ये मैंने एक फ्राई पैन पे दो दो डाल दिया है क्योंकि ये थोड़े छोटे थे। इसे हल्का धीमी आंच पे आप सेक लीजिए। रेड होने दीजिए इसे थोड़ा। अगर आपको इसको ट्रेन में भी लेके जाना है या कहीं पिकनिक पे लेके जाना है तो भी इसे आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का इसे सेकें, बहुत ज़्यादा कड़क ना करें इसे। दोनों तरफ से देखिए, मैंने पलट लिया है, ये हल्का रेड हो चुका है। अब ये मैं दूसरा भी आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें मैंने ऑयल लगाया। बहुत ही ज़रा सा ऑयल मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो भी आप इसमें हल्का ऑयल डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ इसे अच्छे से सेक दिया है। पहले एक बार सेकें, फिर ऑयल लगाएं, फिर सेकें और फिर ऑयल लगाएं। ऐसे ही प्रोसीजर से आप बनाएं इसे और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ये चटनी मैंने बच्चे के टिफ़िन के लिए बनाया था, हरी चटनी। और ये मेथी का पराठा ग्रीन डे के लिए मैं ये टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।